हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में चल रही द्वितीय मुस्लिम समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 3 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया। सर्वप्रथम सुबह सागवाड़ा ए एवं सागवाड़ा डी के मध्य प्रथम मैच खेला गया, जिसमें सागवाड़ा ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए, जिसमें शायर एवं खुर्शीद ने 32-32 रनों का योगदान दिया, जबकि सागवाड़ा डी की ओर से नौटी अयान एवं यूनुस ने 2-2 सफलता प्राप्त की। 144 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी सागवाड़ा डी की टीम 78 रनों पर ही ऑल आउट हो गई एवं सागवाड़ा ए ने 65 रनों से जीत हासिल कर ली। सागवाड़ा डी की ओर से यूनुस ने 14 एवं आशिक ने 12 रनों का योगदान दिया, जबकि सागवाड़ा ए की ओर से शोएब ने 3 एवं अफजल, फिरोज लाला तथा मोहम्मद ने 2-2 सफलता प्राप्त की। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच सागवाड़ा ए के अफजल रहे, जिन्होंने 28 रन बनाए एवं 2 विकेट हासिल किए। इसी तरह दोपहर में डूंगरपुर एवं सीमलवाड़ा के मध्य द्वितीय मैच खेला गया, जिसमें डूंगरपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। डूंगरपुर की ओर से सोहेल मामा ने 43 एवं अब्दुल ने 30 रनों का योगदान दिया, जबकि सीमलवाड़ा की ओर से मुबीन ने 3 एवं बिलाल ने 2 सफलता हासिल की। 142 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी सीमलवाड़ा की टीम 133 रनों पर ऑल आउट हो गई एवं डूंगरपुर ने 9 रनों से मैच अपने नाम किया। सीमलवाड़ा की ओर से अरमान ने 33 एवं बिलाल ने 20 रनों का योगदान दिया, जबकि डूंगरपुर की ओर से सोहेल ने 3 एवं मुतलिब ने 2 विकेट हासिल किए। दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच सोहेल मामा रहे, जिन्होंने 43 रन बनाए एवं 3 विकेट हासिल किए। शाम को गलियाकोट एवं सलूम्बर के बीच तीसरा मैच खेला गया, जिसमें गलियाकोट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। गलियाकोट की ओर से रहमत ने 42 एवं आरिफ ने 30 रनों का योगदान दिया, जबकि सलूम्बर की ओर से इरफान ने 3 विकेट हासिल किए। 136 रनों का पीछा करने उतरी सलूम्बर 5 विकेट के नुकसान पर 128 रन ही बना सकी और 8 रनों से हार गई। सलूम्बर की ओर से इस्तिफाक ने नाबाद 35 एवं नूर ने 34 रनों का योगदान दिया, जबकि गलियाकोट की ओर से रहमत ने 2 सफलता हासिल की। तीसरे मैच के मैन ऑफ द मैच गलियाकोट के रहमत रहे, जिन्होंने 42 रन बनाए एवं 2 विकेट हासिल किए। प्रतियोगिता के दौरान मुस्लिम महासभा के इकबाल गौरी द्वारा प्रतियोगिता के आयोजक रमीज राजा, शायर जावेद इरफान, फारूक एवं मीडिया पार्टनर एकता समाचार निदेशक शेख राजू भाई बर्तनवाला का मोमेंटो एवं शॉल द्वारा सम्मान भी किया गया। कि हम मेरे बाकी के ओवरों में किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, इस बार अच्छा कैच और एक अच्छा विकेट का, यहां किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। कंटिन्यूटी रखे यहां पर एम्पायर्स, 95 पर आते आते 4 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुके। पिछले ओवर में मुबीन ने सोहेल मामा को पेवेलियन की राह दिखाई थी, अब 4 ओवरों का खेल आना बाकी, किस हिसाब से बाकी के बचे ओवर, अच्छी गेंद यहां पर। ओहो, नो बॉल पिच के बाहर गिरी है और फ्री हिट होगी, अब्दुल के लिए फ्री हिट है और यहां के आयोजकों के द्वारा यह दिशा निर्देशित करवाया गया कि अगर मैटिंग के बाहर गेंद गिरती है तो नो बॉल होगी। हाजी इरशाद जी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, फ्री हिट है यहां पर। ओहो हो, ये तो ऐसा आया है कि इंतजार कर रहे थे और तेज तर्रार यहां पर बल्ला घुमाया है डूंगरपुर का, इस छक्के की सहायता से 100 रन पूरे होते हुए, एक खराब गेंद और उसका संभाग से पधारे हुए यहां पर अब्दुल, इस छक्के की सहायता से डूंगरपुर का स्कोर 100 रन पहुंचता हुआ, छक्के से स्वागत किया यहां पर रणजी खिलाड़ी का। ओह लाइए उठाइए और वापस दीजिएगा गेंद, मजा आ रहा है अब्दुल के बल्ले।